बच्चे के भीड़ से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे तकरीबन 350 है, लेकिन ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनेश्री वार्ड नंबर 11 का हाल ये है कि यहाँ टीचर ही नहीं है, और टीचर नहीं रहने के कारण शिक्षा में बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये देखते हैं रिपोर्ट। आज क्या क्या खाया है? सब्जी, भात। सब्जी बहुत ज़्यादा। क्या क्या सब्जी में? क्या चना, आलू, चावल। क्या नाम है बाबू? कौन स्कूल में पढ़ते हो? तुम्हारा क्या नाम हुआ? चंदू कुमार। तुम भी वही खाया? झूठ तो नहीं बोल रहा? कोई सिखा के तो नहीं लाया? जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, पंचायत धनेश्री में हम हैं, और उत्क्रमित मध्य विद्यालय आप देख सकते हैं इधर, तनी दिखाइए सर, कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनेश्री अंचल भरगमा अररिया का ये स्कूल, जो भी समझ लीजिए आप, स्कूल तो स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है, और यहाँ पे 5 टीचर है। सवाल बनता है कि 8 तक पढ़ाई होती है, लेकिन टीचर 5-8 है। अब पढ़ाई कितना होगा ये आप समझ सकते हैं, चूंकि 2 टीचर तो BLO के कार्य में चले जाते हैं, बच गए 3, एक हो सकता है वो छुट्टी पर रहें, बच गए 2, और 2 में 8 क्लास को पढ़ाना है, तो शिक्षा कैसा खोज रहे हैं आप? सरकार किस तरीके की शिक्षा बिहार में चला रही है? श्री चंद्रशेखर जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप देखिए कि शिक्षा विभाग में क्या हो रही है। सवाल बनता है कि जब टीचर ही नहीं रहेगा तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आइए, कुछ आम जन हमारे ग्रामीण आए हुए हैं इस स्कूल में और देख रहे हैं कि शिक्षा कैसा हो रहा है, तो शिक्षा के बारे में हम आम जन से पूछते हैं कि उनका बाल बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, का सैनवा करना सीखा है कि नहीं, ओहो हम जान लेते हैं। का नाम हुआ? राजू मंडल। आप ये बताइए, इस स्कूल में क्या चीज़ की कमी लग रही है? शिक्षक की बहुत कमी है। अब शिक्षक का जब कमी है तो पढ़ाई कहाँ से होगा? 2 शिक्षक BLO में है, 3 शिक्षक पढ़ाने वाला है। क्या होगा, बच्चा का पोजीशन बिगड़ेगा? 8 क्लास तक आप पढ़ाते हैं? शिक्षा यहाँ 3 गो, 2 गो BLO में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक तो क्या पढ़ाएगा? शिक्षक पढ़ाएगा, रहेगा तब ना पढ़ाएगा। शिक्षा मंत्री आके पढ़ाएंगे? हाँ, उसी को पढ़ाना होगा। तो क्या आप क्या सरकार से कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अनमोल पासवान। आप ये बताइए, किस तरीके का शिक्षा नीति आप चाहते हैं यहाँ? शिक्षा में सुधार होना चाहिए सर, शिक्षा तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है धनेश्री में। अच्छा, धनेश्री पंचायत के जितना भी प्रतिनिधि हो, हाँ, ना तो आके एक रोज देखते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग को, ना शिक्षा विभाग से कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ? परवेश कुमार मंडल। मंडल जी, आप ये बताइए हमको कि इस स्कूल में क्या चीज़ का कमी दिख रहा है? कमी तो शिक्षक का कमी है। इसके लिए कभी आवाज़ उठाए हैं? आवाज़ तो कई बार मास्टर साहब को बोले हैं कि लिख के दीजिए। भाई, भारगमा के BO साहब को क्या कहिएगा? BO साहब को क्या कहेंगे, मास्टर साहब ने कहेंगे, हम लोग ग्रामीण से हो जाएगा। मास्टर साहब क्या कहेंगे, उससे मांग तो कर सकते हैं ना। वही ना बोले, लिख के देने के लिए, लिख के देगा तब ना मुझबानी थोड़े हो जाएगा मुखे। आप लोग आगे आइएगा, जब भी तो यहाँ टीचर बढ़ेगी। हाँ। बचवा तो आप ही का ना पड़ता है? हाँ, मेरा ही पड़ता है। तो आपको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। आवाज़ तो उठेबे करेंगे ना, उठा रहे हैं आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, ये मांग करते हैं कि और यहाँ शिक्षक हो। शिक्षक हो। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ? अजय कुमार मंडल। क्या चाहते हैं इस स्कूल हम में? तो यही चाहते हैं, इसमें शिक्षक की कमी है। शिक्षक रहेगा जब ही तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो शिक्षक अभी नहीं है तो क्या कहेंगे? शिक्षक नहीं है, हम लोग तो मांग करते हैं, और इसमें सहयोग दे, सब आदमी मिल करके BO साहब को जाकर बोलेंगे, इसके कोई आवाज उठाएगा तो शिक्षक आ भी सकता है, आ जाएगा तो सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है। 8 क्लास तक होता है, और 8 क्लास में यहाँ शिक्षक है 5-8। BLO में चला जाता है, इसीलिए तो बोले। BLO में 8 क्लास कैसे पढ़ाई होगा? तो वही तो हम मांग है शिक्षक का, शिक्षक आ जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब शिक्षा के नाम पे सिर्फ सैलरी जा रही है, जो भी जा रही हो, शिक्षा कुछ है नहीं। शिक्षा कुछ नहीं है यहाँ पे, जब ही तो रहेगा। भात दाल तरकारी तो मिलता है ना बच्चा को? सब कुछ खाना होना तो सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। खाना होना कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं खाना में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शिक्षक नहीं। हाँ, शिक्षक नहीं है, शिक्षक रहेगा जब ही तो बच्चा पढ़ेगा, शिक्षक रहेगा जब ही तो बच्चा पढ़ेगा। शिक्षक है ये जितना नहीं। है उतना पढ़ाता है।
बस उतने तो पढ़ाता है। हाँ, तीन चार क्लास मिला के पढ़ा रहा। हाँ, तो तुम यही ना। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि शिक्षा इस तरीके से अगर हुई स्कूल में तो शिक्षा के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ होगा, वो इसलिए कि तीन चार क्लास के बच्चे को एक साथ एक टीचर कहाँ तक पढ़ा पाएंगे। धनश्री 11 नंबर वार्ड से MS प्रदेशी।